आज बनाएंगे हम खिचड़ा। इसके लिए हमें दालें चाहिए, चने की दाल आधा किलो और आधा किलो गेहूं, और ये मसूर की दाल पाव भर 250 ग्राम, मूंग की दाल 250 ग्राम, चावल 250 ग्राम, जौ उड़द की दाल, ये सारी दालें चावल गेहूं जौ पाव पाव भर, और ये आधा आधा किलो। अब इसको हमें 2 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, 2 से 3 घंटे के लिए। खिचड़े के लिए जो गेहूं होता है, जो सादा गेहूं ही अलग से आता है मार्केट में और आसानी से मिल जाता है, और जौ भी। अब इनको 2 से 3 घंटे के लिए धोकर हमें भिगोना है। भिगो दी है हमने। अब खिचड़े के लिए गोश्त तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच तेल भगोने में गरम कर लें। ये खिचड़े का दूसरा स्टेप है। जब तक दालें हमारी भीगेंगी तब तक गोश्त तैयार कर लें। थोड़े गरम मसाले और तेजपात का पत्ता डालेंगे। अब गोश्त, अब इसमें मसाले छोड़ेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 कटोरी, ये सारा डालेंगे। ये प्याज का पेस्ट है 1 कटोरी भर के। हल्दी 2 चम्मच भर के। दो चम्मच मिर्च। धनिया पाउडर 2। चार से पांच चम्मच। अब ये पानी डालेंगे। ये 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक गोश्त खूब गल नहीं जाएगा। अच्छा, गल जाएगा जब तक इसको पकाना है। ढककर रख दें। दो चम्मच नमक, नमक हम गोश्त वाला ही डालेंगे, दाल का दाल में।
गोश्त पक चुका है, देखिए बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है। खिचड़े में गोश्त ज़्यादा गला ही अच्छा लगता है। दाल पकने के लिए हम पानी बॉयल होने रख रहे हैं, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डाल दी, 1 ये डाल देंगे। हल्दी से कलर अच्छा आता है। और 2 चम्मच नमक, नमक बाद में और टेस्ट करने के बाद डालेंगे। 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 उबाल आ जाएगा तब इसमें दालें डालेंगे। उबल चुका है, अब इसमें भीगी हुई दालें डालेंगे। सारे दाल चावल जो हमने भिगो के रखे थे उनको छोड़ देंगे इसमें। अब इस इनको पकाना है जब तक गल ना जाए। दालें पक चुकी हैं और भगोना भर गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में गोश्त और दाल मिलाएंगे, फिर तड़का लगाएंगे। इसको बहुत चलाना पड़ता है, बार बार चलाए वरना लग जाता है बहुत जल्दी। अब इसको थोड़ा रई से मिला दें, इसे ब्लेंडर से थोड़ा बहुत आराम से नीचे को चलाएं जिससे ये ऊपर ना आए। रई से चाहे रई से, और ये गोश्त जो ने पकाया था वो। गोश्त को बहुत अच्छे से गला लिया था हमने, खिचड़े में गला हुआ ही गोश्त अच्छा लगता है। अब इसको और अच्छे से मिला देंगे, बोटी बिल्कुल घुल जाएगी इसमें। अब इसमें तड़का लगाएंगे, 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला। इसको अच्छे से मिला दें और इसके ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाएंगे। ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम थोड़ी हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसका तड़का लगा देंगे। खिचड़ा हमारा पक चुका है। पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नींबू, हरी मिर्च और फ्राई प्याज और अदरक ये मैंने अलग निकाल लिया है, जब सर्व करेंगे तब डालने के लिए।